नमस्कार, मैं रंजना आप सभी को स्वागत कर रही हूँ रंजनास चूल्हा में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक लबाबदार। तो चलिए शुरू करते हैं एक लबाबदार बनाना। एक लबाबदार बनाने के लिए हमें चाहिए 4 बॉयल अंडे, 2 टमाटर, 2 प्याज, लहसुन की कली, हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, काजू, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं। कढ़ाई में पानी डालेंगे। पानी को खोलने देंगे, तब तक हम टमाटर को काट लेते हैं। टमाटर हमने धो के रखे हैं तो टमाटर को बड़े टुकड़े में काट लेंगे। देखिए टमाटर काट लिए हमने, अदरक को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। पानी को ढक देंगे, पानी जल्दी खोल जाएगा तो फिर हम ये मसाले जो हम ग्राइंड करेंगे इसको थोड़े से पानी में हम खोलाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको पानी में डालेंगे। तब तक हम प्याज को हम चॉप कर लेते हैं। पतला पतला स्लाइसेस में काट लेंगे प्याज को। देखिए पानी खोल चुका है, अब हम डालेंगे टमाटर भी डाल देंगे। सारे टमाटर डाल दिए हम। हरी मिर्च जो लिए हैं हरी मिर्च भी डाल देंगे, अदरक भी डाल देंगे, लहसुन भी डाल देंगे और काजू जो लिए हैं काजू भी डाल देंगे। से ढक देंगे। देखिए खोल चुका है, इसको और थोड़ी देर खोलाएंगे हम। अंडा जो हम बॉईल करके रखे हैं अंडे को हम छील लेते हैं। अब गैस करेंगे बंद और इसको अभी एक स्ट्रेनर में हम छान लेंगे। अब स्ट्रेनर में छान लेंगे, ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम ग्राइंड करेंगे। ये पानी को फेंकना नहीं है, हम जब सब्जी बनाएंगे तो यही पानी हम सब्जी में डालेंगे। ये देखिए अंडा मैंने छील लिए, अब इसे अभी फोक में हम हल्का छेद कर देंगे क्योंकि हम तेल में इसको फ्राई करेंगे तो अंडा फटने का चांस रहता है, तो इसीलिए फोक में इसको इस तरह से हम छेद कर देंगे। अब गैस ऑन करते हैं, तेल डाल देते हैं करीबन 2 बड़े चम्मच। तेल गरम होगा फिर हम अंडा को फ्राई करेंगे। देखिए तेल गरम हो चुका है, अब तेल में हम थोड़े से डालेंगे हल्दी पाउडर,
आधा चम्मच डालेंगे हम लाल कश्मीरी मिर्च, इसके बाद हम अंडा को फ्राई करेंगे। तेल में हम हल्दी और लाल कश्मीरी मिर्च का डाल देंगे तो हमारा तेल का कलर जो है बहुत अच्छा आएगा, ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। हम टमाटर, काजू, अदरक और लहसुन हरी मिर्च को हम पीस लेते हैं। देखिए अंडा हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसे हम निकाल देंगे तेल से। हमने जो सारे जो बॉईल किए थे मसाले को भी हम ग्राइंड कर चुके हैं, अंडे को हम निकाल लेंगे। इसमें हम कोई खड़े मसाला गरम मसाला नहीं देंगे, अब डायरेक्ट इसमें अभी प्याज हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारा हल्का कलर चेंज कर लेगा, उसके बाद हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, तो अभी हम इसमें डालेंगे, अभी हम डालेंगे एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी देंगे क्योंकि तेल में हम हल्दी दे चुके हैं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, तो हम जो ग्रेवी के लिए जो बनाए हैं पेस्ट बनाए हैं अब इसको भी हम देके फ्राई करेंगे। इसको भी अभी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, तेल छोड़ते तक इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए मसाला का कलर हमारा कितना प्यारा दिख रहा है, ये अभी फ्राई नहीं हुआ है, जब तक हमारा मसाले से तेल नहीं छोड़ेगा तब तक मसाला हमारा रेडी नहीं हुआ है, तो उसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। मीडियम को लो मीडियम में ही रखेंगे फ्लेम को, नमक भी हम डाल देते हैं। देखिए मसाला से तेल अलग हो चुका है, मतलब ये हमारा मसाला अब परफेक्ट हो गया है अभी, तो अभी हम डालेंगे इसमें गरम मसाला। अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी हम उसी पानी को देंगे जहां टमाटर और अदरक लहसुन को जो हम बॉईल किए थे उसी पानी को इसमें डालेंगे, ऐड करेंगे हम। अब ढक देंगे। देखिए ग्रेवी बन चुका है मेरा एक लबाबदार का, अब गैस को हम करेंगे बंद, इसको एक बाउल में निकालेंगे। देखिए मैंने ग्रेवी निकाल चुकी हूँ मैं, अब अंडा को ग्रेवी में डाल देंगे हम। हमने चार अंडा बॉईल किए थे, एक अंडा को अब इसके ऊपर ग्रेट कर देंगे हम। देखिए एक लबाबदार बनके रेडी हो चुका है, आप जरूर घर में ट्राई कीजिएगा एक लबाबदार बनाना।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबा देंगे तो नया नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।